नमस्कार दोस्तों, SS मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सुबह ही बताया था, LT जो लार्सन टर्बो लिमिटेड कंपनी है, ये ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में उछाल आने वाला है। और इस कंपनी का सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की तुलना में बेस्ट इसका मार्केट कैप है। इसका मार्केट कैप लाखों में दोस्तों। और कंपनी का साल भर के नज़रिए से अपन टारगेट देखें तो कंपनी ये 1800 प्लस में जाने वाली है कंपनी। और इस कंपनी में कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त का मार्केट कैप है। और दोस्तों आज भी ये कंपनी अभी 63 रुपये प्लस में चल रही है। और आज सुबह ही मैंने इसमें इंट्राडे में बताया था कि अगर साल भर के नज़रिए से देखें इन कंपनियों को, LT का भी मैंने नाम लिया था और जयप्रकाश एसोसिएट का भी मैंने टारगेट दिया था। किसी बंदे ने कमेंट किया था तो उसमें बताया था मैंने, NBCC के बारे में बताया था और भेल के बारे में बताया था, BEML के बारे में बताया था। साल भर के नज़रिए से मैंने बताया था इन ये कंपनियाँ, साल भर के टारगेट भी बताया था मैंने। BEML के 1000 से 1500 के, 1000+ टारगेट, सेकेंड टारगेट 1500 बताया था मैंने। और LT के बारे में अगर अपन बात करें दोस्तों, तो LT जो कंपनी है ये कंपनी ज़बरदस्त इसका मार्केट कैप है। और आज ये आप इसमें देख रहे हो 1210 पे ओपन हुई थी ये, और क्लोज 1197 में था और 1199 में इसका लो आया। उसके बाद में कंपनी कंटिन्यू हाई पे हाई लगा रही थी और लास्ट में भी ये हाई लगा के ही, और अभी हाई पे बंद है। तो दोस्तों इससे अपन उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में बहुत बढ़िया रिटर्न देने की इसकी संभावना है। और मैं इसमें इसका मार्केट कैप भी आपको दिखा देता हूं दोस्तों। कंपनी का ज़बरदस्त मार्केट कैप है, ये आपको दिख रहा है। कंपनी का 1,76,872 मार्केट कैप है, ज़बरदस्त इसका मार्केट कैप है। अगर मैं और कंपनी की तुलना करूँ तो ये इस कंपनी का बेस्ट मार्केट कैप है। कंपनी में कोई कमी नहीं है, अगर कंपनी का शेयर 800 भी आ जाता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कंपनी वापस अपने शेयर को उठा लेगी। और ये इसका साल भर का टारगेट ही ब्रोकर के द्वारा ही, अलग अलग ब्रोकर द्वारा 1800 रुपये तय किया गया है कि इसको भी तोड़ कर निकलने की इसकी क्षमता है टारगेट को। और इसकी कल की डिलीवरी की बात करें तो लगभग इसमें 37% डिलीवरी उठाई है लोगों ने, यानी लोगों ने इसका 37% डिलीवरी उठाई है। अगर इसका हम फाइनेंशियल रेशियो की बात करूँ दोस्तों, जो कंपनी प्रॉफिट में, ज़बरदस्त प्रॉफिट में कंपनी चल रही है। ये देख लीजिए, डिविडेंट भी दे रही है। डिविडेंट पहले 14 रुपये दे रही थी, अब 16 रुपये दे रही है। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, मतलब इसमें प्रॉफिट में चल रहा है, 53+ में अभी कमाया है पिछली तुलना में, पिछले 69 था के कमाया है। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अभी कंपनी प्लस में चल रही है। हाँ तो दोस्तों, और इसका सबसे चौंकाने वाला जो मैं आपको बता दूँ, कंपनी का मार्केट कैप इतना ज़्यादा हुआ होती हुई भी, कंपनी का मार्केट कैप इतना ज़्यादा होती हुई भी कंपनी की शेयर होल्डिंग की अपन बात करें तो 0% है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 0% है। इसमें फिल एंड डील पब्लिक और ये म्यूचुअल फंड वाले, LIC वाले, और ये सब मिलके इसमें अपना पैसा लगाते हैं। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि ये पूरा अभी तक इसमें दारोमदार इसके ऊपर ही है, जो ऊपर पब्लिक है, फिल एंड डील, ये पैसा लगाते हैं तो इसमें उम्मीद करके पैसा लगा रहे हैं। तो कंपनी की 0% होल्डिंग है और कंपनी इसमें जब चाहे अपनी होल्डिंग ये बढ़ा सकती है। तो कंपनी के पास मार्केट कैप ही कितना है दोस्तों। अगर और कंपनी की तुलना में मैं करूँ, जैसे कि ये शेयर होल्डिंग मैंने बताया, तो 0% शेयर होल्डिंग वाले जो शेयर खराब नहीं होते हैं, आप समझो कि 0% वाले शेयर होल्डिंग खराब होते हैं। आपको मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि ये इस पर, यानी कि लोग शेयर होल्डर को ना देखते हुए इस पर ऐसे विश्वास कर रहे हैं कि कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है। और मैंने फेडरल बैंक के बारे में बताया था, फेडरल बैंक की भी 0% होल्डिंग है, लेकिन फेडरल बैंक का टारगेट 120 रुपये का है, 120 रुपये जाएगा, ये जाएगा फेडरल बैंक, उसमें भी आप देख लेना 0% उसकी ओपन परमानेंट होल्डिंग है। और बाकी शेयर होल्डिंग फिल एंड डील पब्लिक के ऊपर ही है, सब कुछ इसमें पैसा लगाता है। तो और अपने और कंपनी की तुलना में बात करें तो इसका तो 1,76,000 है, तो इसका देखिए ABB इंडिया का 25,000 है, और अदानी पोर्ट का 66,000 है, और भेल का भी 24,000 है, जो अच्छी कंपनी है। अदानी पोर्ट ये टॉप कंपनी है। तो और लेकिन इसकी तुलना में अगर अपन लाखों में बात करें, सिर्फ इसका लार्सन का ही है अगर 1,76,000 इसका ही है, यानी कि ये अब ये इन सारी कंपनियों की तुलना में टॉप कंपनी है। तो अपन कह सकते हैं कि ये इन सारी कंपनी की तुलना में टॉप कंपनी है, क्योंकि इसके पास मार्केट कैप ज़्यादा है और बढ़िया इसके पास फाइनेंशियल रेशियो है, फंडामेंटल है। और इसका इसको जो अब टेंडर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो
2018 का आया था, तो अभी तक इन कंपनियों को मिला नहीं है। अब ये इसके बाद मार्केट कैप है, तो इसको टेंडर ये ले लेगी कंपनी जल्दी और वो अपने टारगेट तरफ निकलेगी दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा जो स्टॉक चुनना था तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपने ब्रोकर और अपने एडवाइज़र से सलाह लेके अपना इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले दोस्तों के साथ। ओके बाय।